हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। और शाम की अपडेट में आज हम बात करते हैं कि मार्केट में क्या क्या रहा सुबह से शाम तक। सेंसेक्स 1942 पॉइंट नीचे गिर के 35,635 पे बंद हुआ। निफ्टी 10,451 पे बंद हुआ, जो कि 538 पॉइंट नीचे रहा। साथ के साथ एक अच्छी चीज रही कि यस बैंक 31% ऊपर रहा, जो कि 21.25 रुपये पे बंद हुआ। यानी कि यस बैंक की अगर मैं बात करूँ तो SBI के पॉजिटिव रिस्पांस की वजह से ये मार्केट में देखा जा रहा है। साथ के साथ अगर यस बैंक में एक और जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो प्रशांत कुमार ने अनाउंस किया है, वो कह रहे हैं कि 15 तारीख तक में भी हो सकता है कि जो विड्रॉ की लिमिट 50,000 थी उसको लिफ्ट यानी हटा दिया जाए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मे बी, ये भी कन्फर्म नहीं है। साथ के साथ CBI ने अभी FIR चार्जशीट फाइल की है, जिसमें कि राणा कपूर के अगेंस्ट मिसयूज की प्रोविजंस को लगाया गया, यानी कि उन्होंने अपने पावर को मिसयूज़ किया और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैप करने की कोशिश की, उसमें वो चार्ज क्रिएट किया गया है। साथ के साथ हीरो होंडा की अगर हम बात करें तो हीरो होंडा 52 वीक के लोएस्ट पे रहा, जो कि मार्केट में अगर देखें तो जो व्हीकल मार्केट है उसमें काफ़ी नीचे गिरावट की दर्ज की गई है। तो हीरो होंडा अपने लोएस्ट पे रहा 52 वीक के। साथ के साथ अगर मैं बात करें कि होली के जो मज़ा है, वो क्रिकेटा होने का जो मार्केट का रीज़न देखा जा रहा है, उसमें 4-5 बहुत प्रमुख कारण है। एक तो ऑयल प्राइस में मैसिव गिरावट होने का कारण, दूसरा कोरोना वायरस के वर्ल्ड वाइड जो इम्पैक्ट है वो एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ लेके जा रहा है। साथ के साथ ग्लोबली पूरी मार्केट एक तरह से निगेटिव में चल रही है, इसका भी सेंटिमेंट है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट देखा गया कि FII ने बहुत जबरदस्त बिकवाली की है, यह भी एक इंपॉर्टेंट कारण है आज के मार्केट क्रैश होने का। अभी यस बैंक के प्रॉब्लम की वजह से फोन पे में एक बहुत बड़ी इशू चल रहा था, उनका पेमेंट सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था। उसमें ICICI ने बहुत एग्रेसिवली काम किया और 40 लोगों की एक टीम बना के उनको टेक ओवर करके उनका पूरा मैप कर दिया, ताकि कि जो पे फोन पे की जो पेमेंट थी उसमें किसी भी तरह के सेटलमेंट में प्रॉब्लम ना हो। अब GST की बात करते, GST के वेबसाइट पोर्टल पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, जिसको देख के गवर्नमेंट ने इन्फोसिस को तलब किया है और कहा है कि इस इशू को जितनी जल्दी हो सके उसको रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन इन्फोसिस का कहना है कि उस जो प्रॉब्लम है उसका जो मैसिव कारण, जो मेजर प्रमुख कारण है, उसमें से GST नेटवर्क के अपने इंटरनली स्ट्रक्चर है। तो आज के लिए इतना ही। होली की बधाई के साथ मैं सबको होली की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरह के अपडेट हम आपको रोज सुबह और शाम में दे पाएं, ताकि मार्केट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो आप तक पहुंचा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।